नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री का फूका पुतला, नीतीश सरकार को चुनाव में उखाड़ फेंकेंगी आशा किरण राउत। दरभंगा 8 सितंबर 2020 आज एटक के संबंध बिहार राज्य आशा संघ दरभंगा इकाई के द्वारा बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर किया गया। पुतला दहन से पूर्व सीपीआई कार्यालय से प्रतिवाद मार्च निकाला गया, जो कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। मार्च का नेतृत्व एटक नेता लाल बिहारी भगत ने किया। मार्च के दौरान आशा कर्मी सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थी, जहां पुतला दहन के उपरांत संघ के कोषाध्यक्ष किरण राउत की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसको संबोधित करते हुए सीपीआई के नेता विश्वनाथ मिश्र ने कहा कि बिहार सरकार पिछले वर्ष ही सभी आशा को 1,000 रुपए महीना मानदेय देने की घोषणा की थी, जो अभी तक आशा कर्मियों को नहीं मिला है। कोरोना काल में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं आशाओं पर है, मगर आज इस सरकार में आशा कर्मी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं आशा कर्मियों ने बताया कि 14 सितंबर को पूरे राज्य की आशा कर्मी पटना में एकजुट होकर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगी। वहीं चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी। अगर सरकार चुनाव से पूर्व हम लोगों को अस्थाई करके राज्य कर्मी का दर्जा देकर वेतनमान निर्धारित नहीं करती है, तो हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा जदयू सरकार को सभी आशा उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सभा को उषा देवी, पूनम देवी, राधा कुमारी, किरण देवी, विमल देवी आदि ने संबोधित किया। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट। 2-4 रुपया दे रहे हैं, उससे क्या मेरे बाल बच्चों को पेट भरण पोषण होगा? नहीं होगा। इसीलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं और मंगल पांडे जी से अनुरोध करते हैं, जो हम लोगों को कुछ सरकारी वेतन मान करें। और जब से हम लोग हुए, हम लोग बाल बच्चे को छोड़कर अपने काम पर लगे रहते हैं। पोलियो में 75 रुपया से हम लोग पेट भरेगा? नहीं भरेगा। 600 रुपया हम लोग को क्या होने वाला है? 600 रुपया तो आजकल के जमाने में एक खाना खाने में चला जाता है। मेरे बाल बच्चे कैसे खाएंगे? हम लोग रोड पर आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग से अनुरोध है कि हम लोग को 21,000 वेतन मान दिया जाए। और हम लोग तीन चार दिन हम लोग हॉस्पिटल में ही रह जाते हैं, क्योंकि मेरा बाल बच्चा नहीं है। इसीलिए आप लोगों से हमको यही कहना है कि सरकार को। मेरा नाम कुमारी चंदा बात हो, बेनीपुर ब्लॉक से।